गाइस वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। और आज फीफी के सेकंड डे है और हम लोग जा रहे हैं 5-6 आइलैंड देखने, और जहाँ पे सबसे फेमस जो है वो है माया बे। एंड हम लोग सुबह 10 बजे एकदम रेडी हो चुके हैं। यस्टरडे ट्रैवल एजेंसी से हम लोग टिकट बुक कर लिए थे फुल डे ट्रिप का। हमें 1200 बात पर पर्सन खर्चा हुआ। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है आगे पता चलेगा। होटल से निकल के हम लोग वही ट्रैवल एजेंसी के दुकान पे गए थे। वो बंदा हमें चलते हुए और एक शॉप पे छोड़ दिया जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग थे। और हम सब चलते हुए अभी जा रहे हैं बीच साइड, जहाँ से हम लोग लॉन्ग टेल बोट में चढ़ेंगे। तो हम लोग आज ये सब आइलैंड्स घूमने वाले हैं। और हम लोगों के पैकेज में इंक्लूड्स है दिस थिंग्स। नो इंक्लूड नेशनल पार्क, मतलब यहाँ पे नेशनल पार्क के अंदर बैम्बू आइलैंड एंड माया बे आता है, उसके आइलैंड में एंट्री करने के लिए हमें टोटल 400 भात चाहिए पर हेड, वरना आपको बाहर बोट में ही खड़ा रहना पड़ेगा। फाइनली वी रीच टू द प्लेस जहाँ से हम लोग लॉन्ग टेल बोट में बैठ के अपना सफर शुरू करेंगे। हम लोग बैठ चुके हैं और अभी थोड़ी देर बाद जर्नी होगी स्टार्ट। धन्नो चालू, बहुत बहुत ही मस्त सीन है इधर, क्या ही बोलूं। ये देखो पानी भी पूरा ब्लू है, नीला समंदर। ज्यादा होशियारी मारने के चक्कर में सामने आकर बैठ चुके हैं और जिस तरफ डायरेक्शन हुए बोट का उधर से धूप भी आ रहा है। हमारा सफर हो चुका है शुरू। तो ये पूरा आइलैंड हम लोग आज घूमेंगे। ऑलमोस्ट यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से हम लोग जो पहला मंजिल है वहाँ तक हम लोग आसपास जाएंगे और करेंगे स्नोकलिंग। मैं सब पूछेगा भाई, हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग कूदेंगे नहीं कूदेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट सबको एक कूद गया है। मेरे को तो मन है मैं कूद जाऊँ, 8 फीट ही है, 8-10 फीट बोल रहा है। आई थिंक आई शुड जंप। शार्क नहीं निकलेगी, टूना निकलेगी, टूना। मैं उतना उतना टेस्टी नहीं हूँ। बाय मैं भी आ रहा हूँ। पानी के नीचे से जो नजारा देख कर आया हूँ भाई, मैं अपनी कजरारी आंखों से देखा है। मैंने देखो मन नहीं कर रहा था भी फेस भी दिखाने का, फिर जलता है आंख वाख, पूरा दिन रहना है ना। मतलब समुद्र के नीचे वो ऐसा बड़े बड़े पत्थर मूवीज में जो दिखता है ऐसा लग रहा था। डीप नहीं लग रहा था बट अंदर में काफी डीप था। इतनी प्यारी प्यारी मछलियाँ हैं। अभी हम लोगों को मिला सैंडविच एंड वाटर बॉटल। उधर का वाटर लेवल ज्यादा होगा, इधर का वाटर लेवल कम होगा करके है।
आइलैंड का नाम है बैम्बू आइलैंड। बिल्कुल भी सब पत्थर ही पत्थर दिख रहे हैं। अच्छा लग रहा है ना, फॉरेन ट्रिप करने का यही मजा है, कचरे नहीं है, लोग इतने सेक्सी है, हॉलीवुड मूवी में आ गया लग रहा है। पानी के कलर की वजह से ही पूरा मूड चेंज हो जाएगा आदमी का इधर आकर। आधे धूप में मैं मालदा में ना निकलूं और यहाँ देखो इतने धूप में घूम रहे, मतलब उसको तो मजा आ गया स्नूकलिंग करने के लिए, मैं तो ऐसे ही तैरूंगी। देखो ये आइलैंड के जस्ट पीछे, मतलब जो पहाड़ टाइप का है वहाँ लिटरली कुछ नहीं है, पूरा अंधेरा। थोड़ा सा एक्सप्लोर करने का इच्छा होता है ये सब थोड़ा देख कर, बट कोई जाता नहीं है तो हम क्या करें अकेले जाकर। बोट का भी टाइम हो चुका है, हम लोग निकल गए हैं खाने के लिए भी दिया हुआ है कुछ, हम लोग भूल भी गए थे एक्चुअली मील इंक्लूडेड है क्या जो प्राइस दिया हुआ है ना इन्होंने। यहाँ का स्टिकी राइस मुझे इतना पसंद आ गया है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है अब तो यहाँ का खाना। कितना इंस्टाग्राम रील्स में सारे देखे हैं और फाइनली ये चट्टाने हम क्रॉस कर रहे हैं। बीच आ गए और इंस्ट्रक्टर हमें मना पहले से बोल के रखा है कि बी केयरफुल ऑफ मंकी, पता नहीं क्या करता। हम लोगों ने अपना बैग वैग सारा वहीं छोड़कर आ गए। वो तो है मंकी, अंधी गई है वो, पीछे वाले को पहले देख रही थी, सामने है कितना सारा है, डोंट गो नियर एंडी। ये प्रेग्नेंट है बोल रहे हैं तो ज़्यादा एग्रेसिव होगी तो उसके पास जाना बेकार है। मुझे एक चीज का जवाब दे, यहाँ मंकी को लाकर छोड़ा किसने होगा समुद्र के बीच में? बात तो सही है भाई, इतना तुम सोच रहे हो ना तो पागल हो जाओगे। ला रहा हूँ पता नहीं कर क्या रही है यहाँ पे ये। ओ सी द आर्ट एंड द आर्टिस्ट। हम लोग रील्स
रील्स का वीडियो शूट करके उसमें गाने सोचते रहे, इसको इसका आंख रील कैमरा बन चुका है और ऑटोमेटिक गाने भी चल रहे इसके दिमाग में। इस सीन के लिए क्या है? नहीं, मेरे को ऐसे बोट में से गाना सुनने का मन कर रहा है। ना जा ना जा ना जा ना जा मैं तेरा पदू। इसको यहाँ गाना शूट करने का इच्छा हो रहा है। बरस की कवारी कली थी चने की समुद्र यार, यहाँ पे चने का खेत कहाँ है? किधर है चने का खेत? क्या है? अपसाइड डाउन। This is so amazing. I'm living like a dream. बहुत अच्छा लग रहा है। I think हम लोग Viking cave आए हुए हैं। Viking cave. भाई देखो सब बिना लाइफ जैकेट के तैर रहे हैं। मेरे को भी मन हो रहा है बट आई एम नॉट टेकिंग द रिस्क। झपाक दो झपाक झपाक में भी मछली है देखो फुटती है। हाँ ना माया बे। मैं सोचा नहीं था कि मायावे का एंट्रेंस कुछ इस तरह होगा, मुझे लगा नेचुरली कुछ होगा, बट हम लोग ऐसे चढ़ के ऊपर जा रहे हैं। आई थिंक दूसरे साइड कुछ तो है जो देखने लायक है। एक्चुअली वी कॉल इट माया बे एंड इट्स काइंड ऑफ आवर नेशनल पार्क। अलग से 400 बात इसके लिए दिया गया है। थोड़ा सा डिसअपॉइंट तो हम लोग हो गए थे कि इतना क्राउड, ऐसे मैन मेड चीज क्यों है, हम तो नेचर देखने आए थे। तो पहले सीढ़ी से चढ़ के हम लोगों को ये जंगल टाइप का नज़ारा दिखा और मुझे ऐसा लगा माया भी तो बीच था, जंगल कहाँ से आ गया। और सुंदर सा जंगल की तरफ से हम आगे बढ़ते गए और फिर मिला हमें बीच साइड। ऐसे रिमोट आइलैंड में रहने का बहुत मन है, मतलब जहाँ पे कुछ हुई ना, कभी मुझे मौका मिले वैसे आइलैंड में ढूंढ पाऊँ ना तो मैं ज़रूर वैसे आइलैंड में रहूँगी। ऐसा लग रहा है पैसे ले लिया जंगल दिखाने का। मेरे को दे दो इतना पैसे, मैं तुमको 4 जंगल दिखाऊंगा 400 में। पेट खराब होते तक खाना भी खिलाऊंगा। बहुत सा रास्ता चलने के बाद हमें फाइनली देखने को मिला वो सुंदर जन्नत जैसा नजारा। और यहाँ पे ना शार्क भी है तो पानी में जाना एकदम मना है। तुम लोग इंस्टाग्राम वीडियो देख के यहाँ आना चाह रहे हो तो देख समझ जाना के इंस्टाग्राम में पता नहीं कैसे लेते हैं पर इतने लोग तो नहीं। बाद भी हम लोग बहुत जल्दी इंस्टाग्राम के लिए बहुत अच्छा शूट कर लिया। थोड़ी देर बाद प्री वेडिंग कपल आ गया वही जगह पे शूट करने का। हम ये देखो हमारा ये स्टैंड है,
हम लोग कंटेंट क्रिएटर में क्रिएट करने में इतना बिजी रहते हैं कि हम लोग मजा नहीं कर पाते हैं। फाइनली अभी हम आई थिंक 2-3 मिनट बैठेंगे, 1 घंटा हम लोग रील्स वीडियोस फोटो खींचने में ही चला गया। पर क्या मस्त मस्त रील्स आया ना, अगर देखना है तो इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करो। सी बंधु लोग, देसी इंडियंस रीच एवरीवेयर, वी इंडियंस रीच एवरीवेयर। हम लोग जल्दी जल्दी दौड़ के बोट के पास गए क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, 1 घंटा हमारा टाइम था उससे क्रॉस हो गया था। तो बोट में बैठ के हम लोग को मिला फिर से फ्रूट्स खाने को, और फ्रूट्स खाते खाते हम लोग सनसेट का वेट करने लगे। और नेक्स्ट हम लोग जाने वाले हैं जिस जगह को बोलते हैं सनसेट पॉइंट। इधर पहले हम लोग इस बीच में थे और अभी हम लोग घूम के इस साइड आ गए, और अब ये दो पत्थर इतना बाजू में दिख रहे हैं हमें। देखो हमें वहां तक जाना है तैर के, और बात यह है कि हमें GoPro 2 लेके जाना पड़ेगा, और फोन लेके तो नहीं जा सकते। पूरे थाईलैंड ट्रिप का ये दिन सबसे बेस्ट था, तो ऑब्वियसली व्लॉग ज्यादा ही बड़ा हो जाएगा अगर पूरा दिन एक ही व्लॉग में कवर करूं। अभी बाकी सनसेट एंड रात को हम लोग अंधेरे में कैसे पानी में जा रहे हैं वो नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। डू सब्सक्राइब, लाइक, लव यू ऑल।